फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन से कॉल करने पे कॉल अगर नहीं जा रही है ना, कॉल अगर नहीं लग रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल करने पर कॉल अगर नहीं लग रहा है ना, तो सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन में आपका फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ये जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन में आपका जो कॉलिंग का ऐप है इसे उंगली से दबा के रखना है। आपका एक ये छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें आपको ऐप इन्फो का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपका ऐप इन्फो का पेज आता है, इसमें आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पर टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको जो है ना सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या इस तरीके का ये डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन का रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है, इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।